राजधानी दिल्ली में चल रहे बाल मजदूरी के खिलाफ अब प्रशासन सख्त रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें रोहिणी SDM द्वारा करीब 2 दर्जन बच्चों को रेस्क्यू कर बाल मजदूरी के चंगुल से छुड़ाकर आजाद कराया है। दरअसल रोहिणी SDM ने एक सामाजिक संस्था सहयोग केयर फॉर यू के साथ मिलकर बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किराड़ी और आसपास के इलाके की करीब 2 से 3 फैक्ट्री में छापेमारी कर 2 दर्जन के करीब बच्चों को आजाद कराया। रेस्क्यू के दौरान मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में सभी बच्चों का मेडिकल और कोविड टेस्ट भी कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोहिणी SDM मीना त्यागी ने बताया कि लगातार शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 2 दर्जन बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया है। ये लोग एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते थे जहां पर लेदर के पर्स आदि बनाए जाते थे। साथ ही रोहिणी SDM मीना त्यागी ने बताया कि ये सभी बच्चे 14 साल और उसके आसपास की उम्र के बताए जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक NGO है जो इसी क्षेत्र में काम कर रही है, सहयोग केयर फॉर यू। उस इन्फॉर्मेशन के तहत पर हम लोग उस एरिया में गए थे, किराड़ी एरिया था, प्रेमनगर और सुल्तानपुरी के आसपास के एरियाज थे, जहाँ पर हमारे पास ये खबर थी कि छोटे छोटे बच्चों को दूसरी स्टेट से लाया जा रहा है और उनको वहाँ पर रखा जाता है, अच्छी कंडीशंस में नहीं रहते, और वहाँ पर उनसे काम करवाया जा रहा है, लॉन्ग आवर्स वर्किंग है उनके। जैसे अभी हमने जिन बच्चों को पकड़ा, वो लोग एक लेदर का काम कर रहे थे, लेदर के छोटे छोटे पर्स बना रहे थे। सुबह 9 बजे से उनका वर्किंग आवर्स स्टार्ट होता था, 11 बजे तक रात तक वो काम करते थे और बदले में सिर्फ उन्हें खाना मिलता था। जो उनको पगार है वो पगार उन्हें नहीं मिलती, शायद उनके ठेकेदारों को दी जाती है। उन बच्चों को तो थोड़ी बहुत जेब खर्ची मिलती है, इतना ही बताया, और उनको खाना, 2 टाइम खाना। और हम सक्सेसफुली करीब 20 से 25 बच्चे हम लोग रेस्क्यू करके लाए हैं, जिनका अभी मेडिकल चेकअप चल रहा है, उनकी कोविड टेस्टिंग होगी। और वो मेल न्यूट्रिशन बच्चे तो मुझे लगे ही, साथ में वो बच्चे लॉन्ग आवर्स काम करके थके हुए बच्चे मुझे लगे, बच्चों वाली जीवंतता उनके चेहरों पर नहीं थी। इस मौके पर बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने वाली संस्था सहयोग केयर फॉर यू के डायरेक्टर शेखर महाजन ने बताया कि ये बच्चे आसपास के राज्यों से लाए जाते हैं और इन फैक्ट्रियों में यह बच्चे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। बच्चों से फैक्ट्री मालिक द्वारा 12 घंटों से ज़्यादा काम कराया जाता था, जिसके बदले में इन्हें केवल 100 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी। उन्होंने बताया कि इस तरह के शोषण के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। सहयोग केयर फॉर यू ने लेबर डिपार्टमेंट और जिला मजिस्ट्रेट संदीप मिश्रा से इन बच्चों के लिए वेतन और मुआवजे की मांग के साथ फैक्ट्रियों को सील करके फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ने मुबारकपुर एरिया में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 24 बच्चों को हमने आज चाइल्ड लेबर से हमने रेस्क्यू किया है और वो SDM रोहिणी के साथ मिल के और लेबर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हम लोगों ने ये रेस्क्यू किया है। और ये बच्चे जो है मोस्टली जो है बिहार एरिया से आए हैं और ये इनको हमें लगता है कि 1 या 2 ट्रैफिकर्स ही हैं जिन्होंने इनको लेके आए गए हैं और ये कई महीनों से ये लोग काम कर रहे हैं। इवन इस पैंडेमिक में भी ये लोग, ये बच्चे यहीं थे और इनसे काम करवाया जा रहा था। और हमें लगता है जो जिनसे जितनी हमने बातचीत की है उसमें इनसे करीब करीब इनको रोज के 25 रुपये या 50 रुपये दिए जा रहे हैं, पूरा 10 से 12 घंटे इनके साथ काम करवाते हुए। और जो हमें लगा है कि ये बच्चों को अपने घर तो खैर हम कह ही रहे हैं कि नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन उसके बाद इनसे अपने माता पिता से मिलने के लिए भी इनको बहुत ही मुश्किल हो रही है कि और नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हमारी पूरी कोशिश है और हम गवर्नमेंट से ये भी एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी बैक वेजेस पूरी इनको दिलवाए जाएं और जो जो इनका कंपनसेशन है गवर्नमेंट से हमें वो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको पूरा कंपनसेशन मिला जाए। गौरतलब है कि बाल मजदूरी का मामला राजधानी दिल्ली सहित देश भर में देखने को मिलता है। हालांकि दिल्ली में बाल मजदूरी को लेकर लगातार विभागीय छापेमारी होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके बाल मजदूरी पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया है। ऐसे में रोहिणी SDM द्वारा की गई ये कार्रवाई बड़े मायने रखती है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।